हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपके अपने योगिरा सैनी ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज का मेरा मेन टॉपिक है कि आज मैं करने वाला हूँ उन लोगों से बात, या उन लोगों के लिए बात, कि जो मेरी तरह है, जिनकी हाइट कम है, मेरी कितनी हाइट है और मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होगी। सो आज मैं उन लोगों के लिए मतलब कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं, जैसे मैं कैसे वर्क करता हूँ, या लोग मुझे बोलते थे तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, तेरे से स्कूटी नहीं चलेगी, तू साइकिल नहीं चला सकता, ये वो। और सबसे पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरी मम्मा को, कि उन्होंने मुझे मतलब कभी भी ये नहीं कहा कि तू ये काम मत कर या क्या, तू कर, लगेगी देख लेंगे होगा जो, क्योंकि मम्मा को बहुत से लोग शिकायत भी करते थे, तेरा लड़का ऐसे बहुत गंदी गाड़ी चला रहा है, ऐसे चलाता है, वैसे चलाता है, तो मम्मा नहीं चाहती थी कि मैं किसी पे डिपेंड रहूं और मैं खुद के काम खुद से किया करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब मुझसे काफ़ी चीज़ें ऊँची रहती है, आओ मैं किचन में देख किचन में लेके चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ मुझे कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। आओ, अब जैसे मुझे चीनी का डब्बा लेना है, अब मेरे हाथ नहीं आ रहा है, सो पहले तो बहुत अजीब फील कर रहा था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार हम ऐसे ही अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। और मैं पहले उन लोगों को देखता था, यार ये इतना लंबा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सो मैंने उन लोगों को देखना बंद करा सबसे पहले, तो कि यार अपने से अच्छे को ना देख कर हम उन लोगों को देखें जिनसे बेटर हम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमसे गए हुए हैं या क्या, बट खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें वो वाले एग्जाम्पल ढूंढने होते हैं जो हमारे आसपास बहुत सी जगह होते हैं जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और मम्मा को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, मम्मा ने मेरे को बहुत साथ दिया है। मैं कार चलाना, मतलब मेरे को है ना, बहुत से लोगों ने, इनफैक्ट मेरे ब्रदर्स, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि तू कार कैसे चला पाएगा, तेरे पैर नहीं पूछते यार, हम तेरे को नहीं सिखा सकते, क्लच पे नहीं जाएंगे। मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगा, सो मैंने करके दिखाया। अब मैं जैसे मेरे वो नहीं आता है हाथ, एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे छड़के ले लेता हूँ, और थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा मोटू हो गया तो मैं पाटे का यूज करता हूँ, और सिंपल मैं आराम से इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और बहुत सी चीजें जैसे हेवी वेट मैं नहीं उठाता हूँ, बट उसको मैं टेक्निकली उठा सकता हूँ, वो भी मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा वो कैसे। पीछे है ना, कम से कम 50-50, 60-60 किलो की पट्टियाँ रखी है, हम वहाँ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं टेक्निकली उनको कैसे उठा पाता हूँ, है ना। चलो पीछे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हेवी वेट नहीं उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को उठाना भी नीचे डॉक्टर ने मना करा है। काफ़ी सारी पट्टी जो दिख रही है आगे से पीछे मैं ही लेकर आया था, बट मैं कैसे लेकर आया था वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो भी लोग डिमोटिवेट होते हैं ना कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो मतलब मैं ऐसा था कि यार मेरे को कोई बोलता था ना तुझसे ये नहीं होगा, तो मैं उसको ज़्यादा करता था कि यार मतलब पहले मैं हार मान लूँ वो गलत बात है, मैं ट्राई ही ना करूँ ये कैसे हो सकता है, सो मैं ट्राई करता था उसको, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि यार मैं करके दिखाऊँ, बट बहुत मतलब 99% में से 1% कभी कभी नहीं होता था, और कई बार 10% भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ बड़े लोगों की ज़रूरत है वहाँ बड़ा ही कर पाएगा। मेरे से जितना होता था, या मेरे जैसे जो लोग हैं जो पहले ही हार मान लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार मत माना करो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अब जैसे भैया घर पे नहीं होते थे, या कहीं दादाजी परेशान होते थे, तो मैंने उनकी हेल्प करी, मैंने लक्की ने, लोलिश ने, ये जैसे इतनी बड़ी पट्टी है अभी कम से कम 30-35 किलो की होगी, ये मैंने जमाई थी, अभी तो बहुत ज़्यादा जमी हुई है, अब जैसे इसको मैं नहीं ला सकता, बट मेरे पास जैसे ये यही होगा 10-1 किलो का, तो है ना। सो इससे टेक्निकली पहले इनको हम मूव करते हैं, फिर जाके ये हिलती है, मैं करके दिखा दूँ। अब जैसे इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं अकेला नहीं उठा सकता हूँ, बट इसको मैं उठाकर आगे तक ले जा सकता हूँ, वो कैसे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ।
अब इसका सारा वेट मेरे पे नहीं है, अब मैं इसको एक हाथ से भी होल्ड कर सकता हूँ, बट कपड़े बहुत गंदे हो गए गाइस। मतलब मैं इसका वेट अब थोड़ी सी मेहनत लगी मेरे को उस वक्त, बट मैं अकेला नहीं उठा सकता इसको, या मैं दो जनों के साथ मिलके भी उठा पाऊंगा, बट मैं इसको अकेला यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ। वो कैसे कि मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, जब मैं ऐसे कर सकता हूँ तो मैं क्यों वेट उठाऊं? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप ठीक है, हमारी हाइट नहीं है, हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है जिससे हम ऐसे काम कर सके, बट हम टेक्निकली और थोड़ा सा दिमाग लगा के हम उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या मेरे अकॉर्डिंग मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूँ, चाहे मेहनत डबल लग जाए या टाइम ज्यादा लग जाए, बट मैं कर लेता हूँ। चलो आगे चलते हैं। और अगर मेरे को इसकी नीड होती ज्यादा तो मैं कर देता, मतलब बहुत ज्यादा ही भारी पट्टी होती है तब इसका यूज ले सकते हैं हम। वाह, दिल से खुशी हो रही है। सो बात करते हैं मेरे, मैंने अब तक क्या किया है क्या नहीं। मैंने पढ़ाई में 12th पास हूँ, पॉलिटेक्निक मेरे को ड्रॉप करनी पड़ गई थी क्योंकि जो जिस फ्रेंड के साथ मैं कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो उसकी डेथ हो गई थी। और उसका मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा वही है यूट्यूब पर, अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखते हैं तो वही है, आप देखना कौन था क्या था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सो फिर पॉलिटेक्निक मैंने ड्रॉप करी, फिर एक साल का गैप दिया मैंने बीए फर्स्ट ईयर करके, अभी गैप दे रखा है पढ़ाई को, और पापा को ऑफिस ले जाना होता है, ये सारे काम मेरे को करने होते हैं, और भैया वगैरह या फैमिली में मेरा कोई भी है ना वो मुझसे जानकर काम कराते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव रहूं फर्स्ट, और कभी भी मैं डिपेंड ना रहूं। वो कर सकते हैं सारे काम, बट मुझसे इसलिए कराते हैं कि मैं एक्टिव रहूं और सारे काम मैं करता रहूं। जैसे जैसे उनको लगता है ना ये नहीं कर पाएगा, पर तब भी वो मुझे बोलते हैं तू ये काम कर क्या। तो एक बार तो मैं सोचता हूँ मुझसे कैसे होगा, क्यों बोल रहे हैं, बट जब मैं कर लेता हूँ ना उस काम को तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ यार भैया ने सही कहा। अगर वो प्रेशर नहीं डालते या बोलते नहीं कि तुझे ये करना है तो मैं करता नहीं और मुझसे होता नहीं, क्योंकि मैं ट्राई नहीं करता। अब जब ज़बरदस्ती उन्होंने बोला मैंने ट्राई किया और वो हो गया, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने चलो ये काम कर लिया किसी साइड में। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं कर लेता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी हाइट कम है या थोड़े भी वो अपनी पर्सनैलिटी या किसी भी चीज़ को लेके, जैसे बहुत सी चीज़ें होती है यार दुनिया वाले उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे भी कहते हैं भाई बाहर जाता हूँ, पहले कहते थे कि तू ऐसा है तू वैसा है तू ये तू वो, धीरे धीरे वो मुझे समझने लगे और मैं उनको समझने लगा। मैं बात करता हूँ, अच्छी नहीं लगे बात तो इधर से सुन के इधर निकालो, अच्छी लगे तो रख लो, और ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हर प्रकार के लोग हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं, मैं वीडियोज़ में ही कह देते हैं यार समझ रहे हो ना कि तू ऐसा है तू वैसा है। मैं इग्नोर मारता हूँ, मतलब छोड़ना यार, मैं जैसा भी ऊपर वाले ने बनाया है ना, मुझे पता है मैं कैसा हूँ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर करें कि कोई भी आपको थर्ड पर्सन ये डिमोटिवेट करके चले जाए या कुछ ऐसा ना करें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे मैं बताऊँ, जैसे मेरे को बहुत गाड़ी चला सकता था सो मैंने वो करके दिखाया, स्कूटी चला सकता था मैंने वो करके दिखाया, मैं चलाया। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैं इन सब पे ही बनाऊं कि मैं कैसे स्कूटी चला पाता हूं, कैसे कार चला पाता हूं। सो बने रहना, आगे के ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। आई होप आप सभी को मज़ा आए या मतलब मोटिवेट हो। सो अब करते हैं हाइट के बारे में बात, कि मेरी हाइट कितनी है और इतनी कम हाइट होने के बाद भी मैं अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखता हूँ। सो इन स्टेप लाता हूँ मैं, मेरी हाइट कितनी है, थोड़ी जल्दी आ। कितनी है? चार आप पे? ओके तो गाइस चार आटे दिख रहा होगा क्या आपको? चार आटे दिख गया क्या? नहीं ब्लर हुआ है, ब्लर हुआ है, एक बार टच कर देख स्किन पे,
यहाँ था ना चार आठ पे टच कर दिख गया दिख गया। ओके तो गाइस सुहान भाई की हाइट है 4'8" मतलब 4 इंच 4 फीट 8 इंच और मैं स्लीपर पहनता हूँ तो आधा इंच और बढ़ जाता है, जूते पहनता हूँ 1 इंच और बढ़ जाता है, मतलब टोटल कुल मिला के 4'10" तक मेरी हाइट हो जाती है जब मैं बाल बाल खड़े बड़े करके जूते वूते पहन के निकलता हूँ। तो सो 4 फीट 10 इंच हाइट होने के बावजूद मैंने काफ़ी कुछ अपने आप में अच्छा कर लिया, कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ ना मैं कभी डिमोटिवेट हुआ ना मैं आप लोगों को होने दूँ। सो फाइनली गाइस हमने हाइट में आप लिए 4'8" तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि जो भी डिमोटिवेट होते हैं या होती है लड़कियाँ या लड़के जिनकी मेरी जैसी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी जो फेस करनी पड़ती है लाइफ में, सो मैंने ये इसलिए बनाया कि यार कहीं ना कहीं अगर तुम लोग अटक रहे हो या कुछ ऐसा है तो प्लीज़ अपने आप को जैसे हो वैसे अच्छा मानकर आगे बढ़ते रहो और कभी डिमोटिवेट मत हो। थैंक यू सो मच ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए और मैं चाहता हूँ कि ना आगे मैं मतलब और कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं कार कैसे चलाता हूँ, स्कूटी कैसे चलाता हूँ, इस टाइप के वीडियोस और बनाऊँ और फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्रैवलिंग टाइप के वीडियोस बनाऊँ। सो आप कमेंट में बताना क्या मैं ये दोनों चीज़ें करूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके।